हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आई एम रोशन। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का 7 नंबर क्वेश्चन। तो अगर आपने 6 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट नहीं किया है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से वो क्लास देख सकते हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। फर्स्ट 22 टर्म का सम लेके आना है, विच डी इज इक्वल टू आपको 7 दिया गया है, और जो लास्ट टर्म है आपकी, जैसे 22 टर्म है, लास्टवीं टर्म है, वो उसका मान कितना है, 149। तो गिवन है डी इज इक्वल टू 7 एंड ए 22 इज इक्वल टू 149 और फाइंड क्या करना है आपको, S22 इज इक्वल टू, ये आपको फाइंड करना है। दैट इज क्लियर। अब यहां से निकालते हैं आपके पास में क्या वैल्यू आता है। जैसे कि अपन फॉर्मूला जानते हैं An वाला, An इज इक्वल टू, यहां पे A प्लस में N माइनस में 1, कितना N माइनस में 1 इंटू डी, वैल्यू आएगा आपके पास An, यानी A 22 इज इक्वल टू A प्लस में 22 माइनस में 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 7 है। ए 22 का वैल्यू कितना है, 149 इज इक्वल टू ए का वैल्यू फाइंड करना है प्लस में 21 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा, 149 इज इक्वल टू ए प्लस में, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 और 7 इंटू 2 14। अब ये इस तरफ सबट्रैक्ट करते हैं तो ए का वैल्यू कितना आता है, ए का वैल्यू आएगा 149 माइनस में 147, ए का वैल्यू आपके पास में आएगा 2, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दैट इज क्लियर। यहां तक कोई डाउट नहीं, ए का वैल्यू अपन ने फाइंड कर दिया है। अब अपन को एसएन का वैल्यू, ए का वैल्यू आ गया, डी का वैल्यू आ गया, एन का वैल्यू आ गया। अब अपन जानते हैं एसएन का फॉर्मूला, एन अपॉन में 2 2a, या डायरेक्टली अगर यूज करें फॉर्मूला तो a प्लस में an, ये फॉर्मूला लगेगा। तो एसएन वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sn इज इक्वल टू n का मान 22 अपॉन में 2, a का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू आपके पास में 2 प्लस में ए एन का वैल्यू कितना है, 149। यहां से रख सकते हैं S12 क्या है, S22, तो S22 इज इक्वल टू 11 इंटू 151 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 1 होगा, ये अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 55 होता है, तो 5 बचेगा यहाँ से, 5 अपन ने यहाँ पे नोट कर दिया, और इनका मल्टीप्लाई 11 होगा, 11 और 50 हमारे 5 हमारे पास में कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो देख लीजिएगा कितना आएगा, यहाँ पे एक और लगेगा, ठीक है, यहाँ पे भी 6 आएगा, तो एस 22 इज इक्वल टू, वैल्यूज आ गए आपके पास में 1661 इज द राइट आंसर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 8 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी। एपी का हमें क्या लेके आना है, एन एपी है, यहां पे डबल ए नहीं है, ठीक है, ओनली फॉर सिंगल ए पी है,
अब देखिएगा सेकंड एंड थर्ड टर्म भी आपको गिवन है, तो जो गिवन है वो लिखते हैं सॉल्यूशन। गिवन क्या है, सेकंड यानी ए टू इज इक्वल टू आपके पास में 14 एंड थर्ड टर्म है ए थ्री, ए थ्री इज इक्वल टू 18। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, तो 51 टर्म का सम लेके आना है यानी एस 51 लेके आना है। ए टू को अपन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में डी लिख सकते हैं, ए प्लस में डी इज इक्वल टू 14 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए थ्री को, ए थ्री को लिख सकते हैं ए प्लस में 2d, ए प्लस में 2d इज इक्वल टू 18 इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक कर देते हैं, सब्ट्रैक करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 2d और d है, 2d और d है तो माइनस के d होंगे इज इक्वल टू माइनस के 4 होंगे, तो ये वैल्यू होगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी का वैल्यू आपके पास में 4 है, डी का वैल्यू 4 हो जाएगा। अगर आपके पास में डी का वैल्यू 4 आ जाता है तो ए का वैल्यू भी आपको निकालना होगा, यहां से ए का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन अगर अपन फर्स्ट से निकालें, डी का वैल्यू 4 है यहां पे रखें, तो ए इज इक्वल टू 14 माइनस में 4 इज इक्वल टू आपके पास में आएगा 10, तो ए का वैल्यू आपके पास में आ गया 10। अब अगर अपन ये वैल्यू निकालें, एन का वैल्यू पता ही है आपको, एन का वैल्यू तो गिवन है ना, यहां पे लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू 51, तो एस एन का फॉर्मूला होता है n by 2 और ये होगा 2a प्लस में, कितना वैल्यूज हो जाएगा 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी, तो s 51, s 51 इज इक्वल टू 51 by 2 2a, a का वैल्यू कितना है 10 है, तो ये आपके पास में 20 प्लस में n का वैल्यू 51 माइनस में 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 4 है। s 51 इज इक्वल टू 51 अपॉन में 2 20 प्लस में 51 माइनस में 1 आपके पास में 50 इंटू 4, ये आएगा s 51 इज इक्वल टू 51 अपॉन में 2, ये आ जाएगा आपके पास में 220 आएगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, s 51 इज इक्वल टू और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 मल्टीप्लाई 110 और ये हो जाएगा 01 और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 और 57 हो जाएगा क्या, इनका एक इसका साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यूज कितना आता है 56, तो ये आपके पास में इज द राइट आंसर, 56 और 10 इज द राइट आंसर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहां तक क्लियर हुआ। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी कितना है, ये है एंड 17 टर्म इज ये, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, तो आपको फर्स्ट एन टर्म का सम लेके आना है। सॉल्यूशन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म यानी एस एन यानी एस 7 का वैल्यू गिवन है, कितना है 49 है, एंड एस
17 का वैल्यू है 289, कितना 289। एस सेवन, अगर अपन एस सेवन का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, एस एन का वैल्यू रखते हैं एक बार के लिए, एस एन का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला एन बाई टू इंटू टू ए प्लस मी एन माइनस मी वन इंटू डी। एस एन का वैल्यू 289 इज इक्वल टू एन बाई टू, एन का वैल्यू एक, एन का वैल्यू रख देते हैं, एस 17 है क्या, या 7, पहले 7 वाला सॉल्व कर लेते हैं, 7 इज इक्वल टू 7 बाई टू टू ए प्लस में 7 माइनस में 1 इंटू डी। तो एस 7 का वैल्यू होगा 289 7 बाई टू टू ए प्लस में 6D हो जाएगा। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आता है 289 7, 2 से 2 कैंसिल होगा ए आएगा प्लस में, 2 से 6 कैंसिल होगा तो 3 आएगा, तो ये हमारे पास में आएगा 21D। तो इक्वेशन आ जाएगा 7A। अगर अपन यहाँ से 7 कॉमन ले लेते हैं, 7 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो एस सेवन का वैल्यू कितना है, 49 है, तो यहाँ पे 49 पुट कर दीजिएगा, आपके पास में कितना होगा, एस सेवन का वैल्यू 49 है, तो 49। अब अगर यहाँ से अपन 7 कॉमन ले लेते हैं और डिवाइड में भेज देते हैं, तो यहाँ पे ए प्लस में 3D इज इक्वल टू 49 अपॉन में 7, ए का वैल्यू कितना आएगा, ए प्लस में 3D इज इक्वल टू ये आएगा 7, 7 जो 49 होते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब अगर अपन रखते हैं यहाँ से एस 17 इज इक्वल टू सेकेंड कंडीशन से लिखेंगे 17 बाई टू टू ए प्लस में 17 माइनस में 1 16D। एस 17 की वैल्यू कितनी है, 289 इज इक्वल टू 17 बाई टू इज इक्वल टू ये आएगा 2A प्लस में 16D। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, तो ये आएगा 289 इज इक्वल टू 17 ए प्लस में, ये 8 बार होगा, तो 17 इंटू 8D होगा। अब इसमें से 17 कॉमन लेते हैं, तो 17 कॉमन लेते हैं तो ये आएगा ए प्लस में 8D इज इक्वल टू 289 अपॉन में 17, और 17 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 289, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे इससे तो 17 आएगा। ए प्लस में 8D इज इक्वल टू 17। इक्वेशन नंबर सेकेंड आएगा, दैट इज क्लियर। अब देखिएगा यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर इन दोनों को आप सबट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो ए प्लस में 8D इज इक्वल टू 17 और ए प्लस में 3D इज इक्वल टू 7, ये वैल्यू आएगा माइनस के ये माइनस के, ये कैंसिल हो जाएगा, 8D और ये 3 सबट्रैक्ट होगा, 5D इज इक्वल टू 10, 5D इज इक्वल टू 10, तो यहां से D का वैल्यू कितना होगा, D का वैल्यू आपके पास में होगा 10 बाई 5 इज इक्वल टू 2, D का वैल्यू आपके पास में 2 आ जाता है, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर D का मान पुट करते हैं तो A का मान कितना होता है 6 प्लस में
6 इजिकल टू 7। तो यहां से a इजिकल टू 7 माइनस में 6 इजिकल टू 1। तो a का वैल्यूज कितना हो जाएगा, a का वैल्यूज आपके पास में हो जाएगा, a का वैल्यूज a इजिकल टू 1। तो Sn का वैल्यू कितना होगा, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 टू ए प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी। अब n का वैल्यू तो हमें फाइंड नहीं है, चलेगा a और d का वैल्यू तो फाइंड है ना, तो Sn इज इक्वल टू अगर अपन निकालना चाहें तो n बाय 2 तो करते ही है, कितना करेंगे n बाय 2, तो यहां पे आएगा मान। लेकिन a का वैल्यू आपके पास में है 1 है, यहां से 1 रख सकते हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस में n माइनस में 1, और d का वैल्यू आपके पास में है जैसे कि 2 आ गया, तो यहां पे 2 रख दीजिएगा, तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2, ये आएगा 2 प्लस में 2n माइनस में 2, कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, अब नीचे 2 है यहाँ पे भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो Sn इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल होगा, तो n का मल्टीप्लाई n के साथ में n का स्क्वेयर, तो Sn का जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, n का स्क्वेयर इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। तो आज की क्लास में अपन ने 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, 7, 8 और 9, दैट इज क्लियर। जो भी डाउट है आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं, क्लास कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलेगा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।